नमस्कार बच्चों, आपका हमारी YouTube ऑनलाइन चैनल AG क्लासेस बाई SK तिवारी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर प्रश्न पत्र 18 लेकर आए हैं। तो नंबर एक है, प्रश्न नंबर एक है, राजस्थान में चीनी मिलों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो तीसरा ऑप्शन सही है, 3। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, भारत का नंबर एक PAU लुधियाना, नंबर दो जीबी पंतनगर, तीसरा सीएसए कानपुर, चौथा है SKRAU बीकानेर। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, जीबी पंतनगर। राजस्थान में वेदशाला स्थित है, नंबर एक जयपुर में, दो जोधपुर में, तीन उदयपुर में, चार बीकानेर में। तो एक ऑप्शन सही है, जयपुर में। प्रश्न नंबर चार, मृदा निर्माण में निर्मित पदार्थों को कहते हैं, नंबर एक सोलम, नंबर दो रिगोलिथ, नंबर तीन फ्लोर, नंबर चार फॉलिश। तो मृदा निर्माण में निर्मित पदार्थों को फॉलिश कहते हैं, चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर पाँच, धान के पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, नंबर एक नाइट्रेट, नंबर दो नाइट्राइट, नंबर तीन अमोनिया, नंबर चार अमोनियम। तो चौथा है अमोनियम यानी NH4, चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर छः, CU की कमी से यानी कॉपर की कमी से रोग होता है, नंबर एक खैरा, दो विप्टेल, नंबर तीन डाइबैक, नंबर चार ब्लैक टिप। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, डाइबैक या सूखा रोग। प्रश्न नंबर सात, उर्वरक प्रयोग की सर्वोत्तम विधि है या उर्वरक अनुप्रयोग की सर्वोत्तम विधि है, नंबर एक ठोस रूप, नंबर दो द्रव रूप, नंबर तीन छिटकवा, नंबर चार पर्णी स्प्रे। तो चौथा ऑप्शन सही है, पर्णी स्प्रे या फोलियर स्प्रे भी कहते हैं। सिंचाई जल के साथ शाकनाशी देना कहलाता है, क्या कहलाता है, नंबर एक फर्टिगेशन, नंबर दो नाइट्रोगेशन, नंबर तीन हर्बिगेशन, नंबर चार इरिगेशन। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, हर्बिगेशन। हर्बिसाइड होता है, शाकनाशी कहते हैं, और गेशन का मतलब होता है सिंचाई जल, तो इसलिए इसको हर्बिगेशन कहते हैं। ऐसे ही कई आता है, फर्टिगेशन, तो फर्टी का मतलब होता है फर्टिलाइजर, और गेशन का मतलब होता है सिंचाई, यानी कि किसी भी उर्वरक को यदि सिंचाई जल के साथ देंगे तो वो फर्टिगेशन कहता है। नाइट्रोगेशन यानी कि जब हम सिंचाई जल के साथ नाइट्रोजनी उर्वरक को देते हैं तो उसको हम नाइट्रोगेशन कहते हैं। चौथा है पेस्टिगेशन, जब हम किसी भी पेस्टिसाइड, चाहे वह रोगनाशी हो या कीटनाशी हो, कोई भी हम पेस्टिसाइड सिंचाई जल के साथ देंगे तो वह पेस्टिगेशन कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे था फंगीगेशन, जब हम कोई भी फफूंदी नाशी या कवकनाशी पदार्थों को या दवाओं को सिंचाई जल के साथ कहते हैं तो उसको हम फंगीगेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। नंबर नौ यानी प्रश्न नंबर नौ, पहाड़ी क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम जल निकास है, नंबर एक रैंडम, नंबर दो इंटरसेप्टर, नंबर तीन रिलीफ, नंबर चार कटआउट। तो दूसरा सही है, इंटरसेप्टर। कटआउट हमारा नहरी जल क्षेत्र के लिए बढ़िया है, मतलब जहाँ पर नहरों से पानी आ जाता है, नीचे पानी भर जाता है, जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर है तो वहाँ पर हम कटआउट नालियाँ बना देते हैं, उधर से पानी इधर ना आए और इधर का पानी भी निकल के बाहर चला जाए। नंबर दस, प्रश्न नंबर दस, चैनिंग द्वारा खरपतवार कौन सा नियंत्रित करते हैं, नंबर एक हाइड्रला, नंबर दो जलकुंभी, नंबर तीन पिस्टिया, नंबर चार सभी। तो ये सभी जलीय खरपतवार हैं, सभी को नष्ट किया जाता है, और जलकुंभी बंगाल का आतंक है, सबसे ज़्यादा ये खरपतवार वहाँ नुकसान पहुँचाता है धान की फसल में खास करके। ग्यारहवां प्रश्न है, उत्तम बीज की आनुवांशिक शुद्धता होती है यानी कि जेनेटिक प्रॉपर्टी, नंबर एक कम से कम 95%, नंबर दो 90%, नंबर तीन 85%, नंबर चार 80%। तो पहला ऑप्शन सही है, 95% अनुवांशिक शुद्धता कम से कम होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12, शुष्क खेती के लिए सर्वोत्तम फसल है, नंबर एक बाजरा, दो मूंग, तीन मोठ, चार ग्वार। तो इनमें सब में बढ़िया है, वैसे सभी हैं लेकिन यहाँ पर सर्वोत्तम का नंबर दिया जाएगा, तो नंबर एक मोठ आते हैं, फिर उसके बाद बाजरा और मूंग का नंबर आता है, चौथे पर ग्वार जाता है। प्रश्न नंबर 13, चना बोने का सर्वोत्तम समय राजस्थान में है, नंबर एक सितंबर माह, नंबर दो अक्टूबर माह, नंबर तीन नवंबर माह, चौथा इनमें कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही, अक्टूबर माह सबसे बढ़िया है। कैमल क्रॉप कहते हैं,
नंबर एक बाजरा को, नंबर तीन मक्का को, दो मक्का को, नंबर तीन ज्वार को, नंबर चार गन्ना को, तो तीसरा सही है ज्वार को। पतझड़ी फल वृक्ष है यानी कि जिसके पत्ते गिर जाते हैं, नंबर एक अंगूर, नंबर दो बेर, नंबर तीन शहतूत, नंबर चार सभी, तो चौथा ऑप्शन सही है सभी। प्रश्न नंबर 16, बेरी बेरी रोग का कारण है, नंबर एक ए विटामिन, नंबर दो बी विटामिन, नंबर सी, नंबर तीन सी विटामिन, नंबर चार डी विटामिन, तो इसमें बी दूसरा ऑप्शन सही है, बी यानी बी विटामिन से बेरी बेरी रोग। नर्सरी के पानी यानी सिंचाई, पानी की विद्युत चालकता होनी चाहिए, नंबर एक एक से डेढ़ डेसी साइमेंस प्रति मीटर, नंबर दो दो से ढाई डेसी साइमेंस प्रति मीटर, नंबर तीन चार से साढ़े चार डेसी साइमेंस प्रति मीटर, नंबर चार पाँच से साढ़े छः डेसी साइमेंस प्रति मीटर। तो पहला ऑप्शन सही है, एक से डेढ़ डेसी साइमेंस प्रति मीटर विद्युत चालकता वाला नर्सरी के लिए बढ़िया पानी मानते हैं। प्रश्न नंबर 18, नियमित सिंचाई वाला फल वृक्ष है, नंबर एक बेर, दो अमरूद, तीन नींबू, चौथा शहतूत, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है नींबू। प्रश्न नंबर 19, मैलिक हाइड्राजाइड MH का उपयोग करते ये हार्मोन्स है, नंबर एक आलू में, नौ लहसुन में, तीन गाजर में, चार प्याज में, तो ये चौथा ऑप्शन सही है प्याज में। प्रश्न नंबर 20, एकांतर फलन अल्टरनेट बियरिंग प्रमुख समस्या है, नंबर एक आम की, नंबर दो केला की, नंबर तीन पपीता की, नंबर चार खजूर की, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है आम की है। प्रश्न नंबर 21, डिश बडिंग करते हैं, डिश बडिंग यानी कि कलिका को हटाना, या इसको निष्कलकायन या कली विच्छेदन भी कहते हैं, नंबर एक गुलाब में, नंबर दो गुलदावदी में, नंबर तीन हजारा में, नंबर चार है सभी में, तो सभी में करते हैं, गुलाब में ज़्यादा करते हैं, यहाँ पर चौथा ऑप्शन है क्योंकि इन सभी में ये करके हम बड़ा पुष्प प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 22, लुफा सिलेंडर का किसका वनस्पतिक नाम है, नंबर एक टमाटर का, नंबर दो लौकी का, नंबर तीन भिंडी का, नंबर चार तोरई का, तो इसमें लौकी है नंबर दो सही। प्रश्न नंबर 23, ऊतक क्षय रोग इंटरनल कॉर्क किस फल वृक्ष में लगता है, नंबर एक आंवले में, नंबर दो बेर में, नंबर तीन पपीता में, नंबर चार केला में, तो पहला ऑप्शन सही है आंवले में। प्रश्न नंबर 24, ऐसा कौन सा फल वृक्ष है जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल देता है, नंबर एक आंवला, नंबर दो स्ट्रॉबेरी, नंबर तीन पपीता, नंबर चार केला, तो चौथा ऑप्शन है केला है। केले में सिर्फ एक ही बार फल आता है, इसके बाद में उस पौधे में नहीं आएगा, जब उसको हम काट करके हटा देते हैं तो उससे नए जो फुटान आते हैं उनमें केले अगले साल लगते हैं, तो इसीलिए इसको पेड़ी फसल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 25, अचार को सुरक्षित रखने में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं यानी सर्वाधिक इनमें से कौन सा प्रयोग होता है, नंबर एक चीनी, नंबर दो नमक, नंबर तीन राई, नंबर चार तेल, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है नमक सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 26, ट्वेरलिंग यानी कंपन किस फल उत्पाद से संबंधित है, नंबर एक जैम से, नंबर दो जेली से, नहीं नंबर दो पानक से, नंबर तीन मार्मलेट से, नंबर चार जेली से, तो चौथा ऑप्शन सही है जेली से। हम जेली को चाकू से काट करके लंबी उसकी जो बर्फी नुमा कतरी है तो उसको रख देते हैं और थोड़ा सा हटा दें तो बबुआ की तरह से वो हिलने लगती है, तो इसको क्वेरलिंग कहते हैं, ये जेली का विशेष गुण होता है। प्रश्न नंबर 27, सफ़ेद मूसली का औषधि तत्व है, नंबर एक एलोइन, नंबर दो विथेनिन, नंबर तीन एजाडिरेक्टिन, नंबर चार सेपोनिन, सो सेपोनिन है। प्रश्न नंबर 28, कृषि का सबसे बड़ा सहायक उद्योग है यानी इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कृषि का सहायक उद्योग माना जाता है, नंबर एक मुर्गी पालन, नंबर दो मछली पालन, नंबर तीन पशुपालन, नंबर चार मधुमक्खी पालन, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है पशुपालन। प्रश्न नंबर 29, पशु मेलों में वाणिज्य कर लेना कहलाता है, नंबर एक गिन्नी राशि, नंबर दो रवन्ना राशि, नंबर तीन टोल राशि, नंबर चार मेला राशि, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है रवन्ना राशि। बकरी का जूलॉजिकल नाम है, नंबर एक कैप्रा हिरकस, नंबर दो बॉस इंडिकस, तीन ओविस एरीज, नंबर चार है बॉस कैफर, तो इसमें पहला सही है कैप्रा हिरकस। प्रश्न नंबर 31, पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं याक से, नंबर दो भेड़ से, नंबर तीन बकरी से, नंबर चार जिराफ से, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है बकरी से। अंडे देने वाली मुर्गियों को कहते हैं, नंबर एक ब्रॉयलर, नंबर दो लेयर्स, नंबर तीन ब्रूडी, नंबर चार ब्रीडर, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है लेयर्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, किस भैंस में गलकंबल होता है, नंबर एक मुरवा,
मुर्रा, नंबर दो जाफराबादी, तीन मैसाना, चार नागपुरी। तो दूसरा ऑप्शन सही है जाफराबादी। प्रश्न नंबर 34, अंडे में वायु कोष यानी एयर स्पेस कितना होना चाहिए होता है? नंबर एक आधा सेमी, नंबर दो एक सेमी, नंबर तीन डेढ़ सेमी, नंबर चार दो सेमी। तो आधा सेमी इसमें पहला ऑप्शन सही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? नंबर एक राजस्थान में, नंबर दो हरियाणा में, नंबर तीन उत्तर प्रदेश में, नंबर चार नई दिल्ली में। तो तीसरा ऑप्शन सही है। 1979 इसकी स्थापना की गई थी IVRI के नाम से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 36, किसकी नाड़ी गति सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा? नंबर एक ऊँट की, नंबर दो कुत्ता की, नंबर तीन गाय की, नंबर चार मुर्गी की। तो चौथा ऑप्शन सही है मुर्गी की। प्रश्न नंबर 37, GTV वैक्सीन किस रोग का टीका है? नंबर एक FMD का, नंबर दो रिंडरपेस्ट का, नंबर तीन लंगड़ी का, नंबर चार टिक फीवर का। तो ये है आपका रिंडरपेस्ट का टीका है GTV, पशु प्लेग का या पशु माता का। प्रश्न नंबर 38, 1 ग्राम दुग्ध वसा में औसतन ऊर्जा मिलती है? नंबर एक 9 कैलोरी, नंबर दो 7 कैलोरी, नंबर तीन 4 कैलोरी, नंबर चार है इसमें कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है 9 कैलोरी के लगभग या 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है 1 ग्राम दुग्ध वसा में। प्रश्न नंबर 39, खीस का एक विशेष गुण होता है, क्या होता है? नंबर एक एंटीसेप्टिक, नंबर दो परगेटिव, नंबर तीन इम्यूनिटी, नंबर चार है दो एवं तीन। तो चौथा ऑप्शन सही है परगेटिव और इम्यूनिटी यानी कि दो और तीन सही है। प्रश्न नंबर 40, ऐसा कौन सा दुग्ध परीक्षण है जिसमें उपकरणों एवं रसायनों की आवश्यकता नहीं होती है? नंबर एक COB, नंबर दो अम्लता, नंबर तीन आपेक्षिक घनत्व, नंबर चार ज्ञानेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रिय चौथा ऑप्शन, यानी कि ज्ञान के आधार पर करते हैं सूंघ कर, चख कर और देख कर। तो इसलिए इसमें किसी भी रसायन और उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज्ञानेंद्रिय टेस्ट होते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का 18वां कृषि विज्ञान का प्रश्न पत्र। तो आप यूं ही देखते रहें, अपने कमेंट्स लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे हमें आपकी योग्यता का और पढ़ाई का अध्ययन का ज्ञान होता रहे और आपकी समस्याओं का समाधान होता रहे। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं कि बेटा जो हम ये आपको पेपर दे रहे हैं, इसमें से मेरा जो अभी तक का आइडिया है या जो पेपर आए हैं आप उनमें देख लेना कि उसमें लगभग 35 प्रश्न के लमसम तो इसमें से आने निश्चित है। इसलिए प्रिय बच्चों आप यूं ही अध्ययन करते रहें और अपने लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।